हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लाओ इंग्लैंड वर्सेस और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ओडीआई सीरीज चली है, ओडीआई सीरीज की फिफ्थ और फाइनल मैच की मैच प्रेडिक्शन, फिफ्थ मुकाबला है खेला जाएगा गाइस आपका सीट यूनिक स्टेडियम ब्रिस्टल इंग्लैंड में। और ये मुकाबला होगा दोस्तों 29 सितम्बर की दोपहर 3:30 बजे भारतीय समय अनुसार। और इस सीरीज डिसाइडर है। इस सीरीज में दोनों टीमों के बीच 4 मुकाबले हुए हैं, 2 जीता है इंग्लैंड, 2 जीता है ऑस्ट्रेलिया, फाइनल है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है ना, तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है। सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाते हैं, एंट्री भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाती है। और एक बात और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है ना गाइस, डॉली बैटिंग यूट्यूब चैनल नाम से, उसका लिंक मैं जब भी सॉल्यूशन ऑफ चैनल में डाला करूँ, ज्वाइन हो जाया करो, क्योंकि मेरा ही चैनल है और सभी लोगों को उसमें ज्वाइन होना है। जो लोग भी गाइस सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग लिफ्ट चैनल में ज्वाइन नहीं होगा, उसको सॉल्यूशन ऑफ चैनल से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि गाइस दोनों मेरे ही चैनल है। तो कई बार ऐसा होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रेडिक्शन ना आके सीधा आपको डॉली बैटिंग लिफ्ट चैनल में प्रेडिक्शन दे दी जाएगी। तो आपका काम है कि आप लोग ज्वाइन हो जाए। अगर आप मेरे कहने पर भी सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग लिफ्ट चैनल में ज्वाइन नहीं होते हैं, तो प्लीज़ सॉल्यूशन ऑफ चैनल को भी लेफ्ट कर देना, नहीं तो मुझे मजबूरन आप सभी लोग को रिमूव करना पड़ेगा सॉल्यूशन ऑफ चैनल से। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम पे ना डालूं, तो उनके पास मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ, जॉश इग्नेश, मानस लाबुशेन, एलेक्स कैरी जैसे प्लेयर हैं। अगर मैं इंग्लैंड की टीम पे ना डालूं, तो इंग्लैंड के पास जो प्लेयर हैं, फिर शॉर्ट, बेन डकेट, विल जैक्स, हैरी ब्रुक जैसे प्लेयर हैं, जे स्मिथ, लियम लिविंगस्टन जैसे प्लेयर हैं। बेन डकेट काफी अच्छे प्लेयर हैं गाइस। तो अगर पल्ला भारी की बात करूँ, पल्ला तो दोस्तों मुझे अभी भी सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी लग रहा है। अब भाई दोनों टीमों के पिछले 5 मुकाबलों में डालते हैं, 5 में से 2 जीत के आ रही है इंग्लैंड, 5 में से 3 जीत के आ रही है ऑस्ट्रेलिया। दोनों टीमों के बीच 10 मुकाबले हुए हैं, 7 बार जाती जीती है आपका इंग्लैंड, 7 बार जीती है ऑस्ट्रेलिया, 3 बार जीती है इंग्लैंड। पिछला मुकाबला इंग्लैंड जीती थी, उससे पिछला इंग्लैंड, उससे पिछला ऑस्ट्रेलिया जीती थी। ठीक है, इन दोनों टीमों के पिछले 10 मुकाबलों में ना डालूँ, 10 में से 5 मैच जीत के आ रही है आपका इंग्लैंड, 10 में से 8 मैच जीत के आ रही है आपका ऑस्ट्रेलिया। 274 रन एवरेज स्कोर है इंग्लैंड का पिछले 10 मुकाबलों में, 235 है ऑस्ट्रेलिया का, 339 रन इंग्लैंड का हाईएस्ट है पिछले 10 मुकाबलों में, 317 है ऑस्ट्रेलिया का, 202 रन इंग्लैंड का लोएस्ट है, 87 रन ऑस्ट्रेलिया का लोएस्ट है। इस ग्राउंड पे बात करूँ, 8 में से 6 मैच जीत के आती है, जीत रखी है इस ग्राउंड पे इंग्लैंड ने। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे 2 में से 1 मुकाबला जीत रखा है। 213 रन एवरेज स्कोर है इंग्लैंड का इस ग्राउंड पे, 230 रन ऑस्ट्रेलिया का एवरेज स्कोर है इस ग्राउंड पे। हाईएस्ट स्कोर 359 रन इंग्लैंड का है इस ग्राउंड पे, 252 रन ऑस्ट्रेलिया का है इस ग्राउंड पे। हाईएस्ट स्कोर, लोएस्ट स्कोर इंग्लैंड का है 95 रन, ऑस्ट्रेलिया का 80, ऑस्ट्रेलिया का जो है इस ग्राउंड पे 209 जो है लोएस्ट है। बारिश की संभावना 100% है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की बात करूँ, 239 रन का रहता है। सेकेंड इनिंग में यहाँ पे एवरेज स्कोर घट के 182 रन का रहता है, हो जाता है हाईएस्ट। टोटल यहाँ पे 359 रन है जो कि इंग्लैंड ने बनाया था, चेज किया था। ठीक है, सबसे कम रन 182 रन है इस ग्राउंड पे। अगर मैं पिछले कुछ मुकाबलों पे ना डालूँ, तो गाइस ग्लौस्टेशायर ने बनाए थे 192 रन, लिसेस्टर वो चेज कर गई थी, ससेक्स ने बनाए थे 132 रन, ग्लौस्टेशायर वो चेज कर गई थी, ग्लौस्टेशायर ने बनाया था 267 रन, वॉरविकशायर वो चेज कर गई थी। तो पिछले 3 मुकाबले तो यहाँ पे गाइस चेज ही दिखा रहा है। और अगर मैं और भी स्टैट्स पे ना डालूँ, तो और भी स्टैट्स कुछ इस प्रकार है। 10 ओवर में हमें पहली पारी में बनते हैं 51 रन, दूसरी पारी में बनते हैं 54 रन, 20 ओवर में हमें पहली पारी में बनते हैं गाइस आपका 91 रन, दूसरी पारी में 152 रन, 30 ओवर में हमें पहली पारी में 149, दूसरी पारी में 152, 35 ओवर में हमें पहली पारी में 152 रन, दूसरी पारी में 185 रन, 40 ओवर में हमें पहली पारी में 170, दूसरी पारी में 220, 50 ओवर में आप पहली पारी में 264 रन बनते हैं। तो ये तो थी सेशन की बात है। तो जिसको भी सेशन खेलना है, मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, आपको उस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। कई बार क्या होता है, टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है ना, तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है। सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाते हैं, एंट्री भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाती है। और एक बात और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है ना गाइस, डॉली बैटिंग टिप चैनल नाम से, उसका लिंक मैं जब भी सॉल्यूशन ऑफ चैनल में डाला करूँ, ज्वाइन हो जाए करो, क्योंकि मेरा ही चैनल है, सभी लोगों को उसमें ज्वाइन होना है। जो लोग भी गाइस सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग के चैनल में ज्वाइन नहीं होगा, उसको सॉल्यूशन ऑफ चैनल से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि गाइस दोनों मेरे ही चैनल है। तो कई बार ऐसा होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रेडिक्शन ना आके सीधा आपको डॉली बैटिंग के चैनल में प्रेडिक्शन दे दी जाएगी। तो आपका काम है कि आप लोग ज्वाइन हो जाए। अगर आप मेरे कहने पर भी सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग के चैनल में ज्वाइन नहीं होते हैं,
तो प्लीज सॉरी शनाब चैनल से भी लेफ्ट हो जाना, नहीं तो मुझे मजबूरन आप सभी लोगों को रिमूव करना पड़ेगा सॉरी शनाब चैनल से। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, बहुत से फेक चैनल बन गए मेरे चैनल डॉली बटनी चैनल के नाम पे, अब मेरे चैनल सॉरी शनाब चैनल के नाम पे, तो आपको उन फेक चैनलों से कैसे बच के रहना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सॉरी शनाब टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाना। जैसे ही सॉरी शनाब टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होगी, आपको वहाँ पर मेरे दूसरे चैनल डॉली बटिंग ट्यूब चैनल का भी लिंक मिलेगा, सभी को डॉली बटिंग ट्यूब चैनल में जरूर ज्वाइन होना है। एक बार के लिए सॉल्यूशन चैनल में ज्वाइन नहीं होगा चलेगा, पर डॉली बटिंग ट्यूब चैनल में सभी को ज्वाइन होना है। तो गाइस भले ही इंग्लैंड दो दो मैच लगातार जीत के आ रही हो, और ये मुकाबला जो है मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया मुकाबला जीतेगी मेरे हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।